हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीत राय ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 3 के एक्सरसाइज। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये चैप्टर 3 है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो चलिए हम लोग इनके एक्सरसाइज पे चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आ जाते हैं चैप्टर 3 के एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पर पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। हम इस टिक द करेक्ट ऑप्शन में, इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर गिव अस वूल लाइक फीलिंग। तो इसका आंसर होगा बी, एक्रिलिक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोप्लास्टिक, सेकेंड क्वेश्चन है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा मेलामाइन। मेलामाइन थर्मोसेटिक प्लास्टिक नहीं है। उसके बाद इसका क्वेश्चन है 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक इज यूज फॉर मेकिंग वाटर पाइप। तो वाटर पाइप बनाने में क्या यूज होता है? तो वाटर पाइप बनाने में आंसर सी, पीवीसी यूज होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, टेरिलीन मिक्स्ड विथ कॉटन टू फॉर्म। अगर टेरिलीन को कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है तो टेरी कॉट बनता है। तो यानी इसका आंसर ए सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 5, एक्रिलिक फाइबर आर यूज्ड फॉर मेकिंग, यानी एक्रिलिक फाइबर से क्या बनाए जाते हैं? तो देखिए, स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, एक्रिलिक फाइबर होता है उसको हम लोग सिंथेटिक वूल कहते हैं, और जो सिंथेटिक वूल होते हैं उससे ठंडी के वो सारे कपड़े बनते हैं जो हम लोग पहनते हैं। जैसी बात है, स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट, ये सब एक्रिलिक फाइबर के बने होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर डी सही है। तो आ जाते हैं हम फिल इन दी ब्लैंक्स की तरफ। फिल इन दी ब्लैंक्स में जो पहला क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक डज नॉट बिकम, जो कि जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता है अगर उसको हम गर्म करेंगे तो वो कभी भी सॉफ्ट नहीं होता, बल्कि वो और हार्ड होता चला जाता है। तो डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्लास्टिक वेट्स डम्प्ड इनटू द वाटर, यानी अगर आपने देखा होगा नदियों में, नालों में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक फेंक दिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? उसके पानी के अंदर रहने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मछलियाँ होती हैं वो मरना शुरू करती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि इज ए कॉमन प्लास्टिक यूज फॉर टाइटनेस एंड रिजिडिटी। एक ये कॉमन प्लास्टिक है जिसको हम लाइटनेस और रिजिडिटी के लिए जानते हैं। तो थर्मोकोल एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको हमने लाइटनेस और उसकी रिजिडिटी के लिए जानते हैं। उसके बाद है बच्चों, मैच इन द फॉलोइंग, आपको इस कॉलम ए को कॉलम बी के वर्डिंग के साथ मैच करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, ये संख्या नंबर्स में लिखी हुई है और ये संख्या अल्फ़ाबेट्स में लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे कि अल्फ़ाबेट नंबर्स के आगे अल्फ़ाबेट को हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो देखिए, जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो मैंने इसका साइन लगाया है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मैंने लगाया है ग्रीन बीन। मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, जो भी ऐसे वेस्ट जो होते हैं उनको हम लोग ग्रीन बीन में कलेक्ट करते थे। इसने तो ये देख, इसका ई ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से मैंने सारे आंसर लिए, जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का ई, एयर पोल्यूशन का एफ, ब्लैंकेट का जी, थर्मोप्लास्टिक का तो यहाँ पे देखिए, थर्मोप्लास्टिक का एच, फॉर्मिका का ए, सिंगल लार्ज यूनिट का सी, लाइनिन का बी और थर्मोकॉट का डी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो जब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि नेम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नायलॉन, नायलॉन के स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम क्या है? तो नायलॉन के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम एमाइड मॉलिक्यूल नाम है उसका। और क्वेश्चन बी, सेकेंड, गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक के दो एग्जाम्पल बताने हैं, तो एक पॉलीथीन और दूसरा पीवीसी, यानी ऐसे प्लास्टिक जिनको गर्म करने पर वो अपना साइज चेंज कर लें, यानी अपना आकार बदल ले। तो हम सभी जानते हैं कि
किसी भी पॉलीथीन को गर्म करते हैं तो देखिए सिकुड़ने लगती है, और पीवीसी पाइप को गर्म करते हैं तो वो भी सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद 3, गिव एनी 2 एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव। आपको ऐसे अपने लाइफ में 2 प्लास्टिक के एग्जाम्पल बताने हैं जहाँ पर यह पता चले कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव। तो आपने देखा होगा हमारे घरों में सप्लाई में जो पानी आता है तो उसमें हम वाटर पाइप का यूज़ करते हैं, तो वाटर पाइप अगर पानी के साथ रिएक्ट कर देता तो पानी पीने योग्य नहीं रह जाएगा। लेकिन ये जो वाटर पाइप है पानी के टेस्ट और टेक्सचर को सिमिलर बनाए रखता है, इस नाते वाटर पाइप किसका बना होता है, पीवीसी का बना होता है। और दूसरा है नॉनस्टिक कुकवेयर। आपने देखा होगा जो नॉनस्टिक कुकवेयर है तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक की कोटिंग होती है, उस प्लास्टिक के कोटिंग का नाम टेफ्लॉन है और हम सभी जानते हैं। और जब इस बर्तन में खाना बनते हैं तो इसमें हम लोग कई प्रकार के खाना बनाते हैं, लेकिन अगर प्लास्टिक को खाने के लिए दे दिया जाए तो शायद हम न खाएं। 4th क्वेश्चन है, विच फाइबर इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क को हम रेयॉन को कहते हैं। नेम द मोनोमर ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के मोनोमर का क्या नाम है, टेरिलीन। और गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के 2 एग्जाम्पल बताए, कैरी बैग्स एंड टॉयज। हाँ तो अब हम आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ह्यूमन मेड आर सिंथेटिक फाइबर, मैंने इंसानों द्वारा बनाए गए सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 32 पे मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर भी आंसर लिख दिया कि द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल प्रोसेस, मैंने वो फाइबर जिसको हम केमिकल प्रोसेस से बनाते हैं, इन इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो आइए देख लेते हैं पेज नंबर 32। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए पेज नंबर 32, और पेज नंबर 32 में क्वेश्चन का आंसर यहाँ से जो ब्लैक हेडिंग में लिखी हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आप इस आंसर को लिख लेंगे। द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट केमिकल प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड आर सिंथेटिक फाइबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलीमर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, पॉलीमर क्या है। तो पॉलीमर का भी आंसर मैंने पेज नंबर 32 पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने सारे पेज नंबर मैंने लिख दिए हुए हैं। तो पेज नंबर 32 पे आते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसको इवन बनाया था। ये यहाँ पे देखिए ये इवन, यानी ये क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर ई का सेकेंड आंसर है। तो यहाँ पर मैंने E2 लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखे ए पॉलीमर इज वेरी लार्ज यूनिट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोमर ज्वाइन टू इन बाय केमिकल्स। ये उसका आंसर हो जाएगा पॉलीमर का। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। व्हाई नायलॉन यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश, यानी नायलॉन के से हमारे टूथब्रश के ब्रिसल्स क्यों बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आंसर भी लिखा होगा कि दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड फंगस रेजिस्टेंस। वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, फंगस रेजिस्टेंस होते हैं, ये स्ट्रेचेबल होते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और नहीं तो आप इसका आंसर पेज नंबर 33 पे आप देखते हैं। तो हाँ बच्चों आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है 4 की व्हाट आर 5R। 5R प्रिंसिपल्स क्या है, रिफ्यूज रिड्यूस रीयूज रिसाइकल एंड रिकवर, यही हैं 5R प्रिंसिपल। तो इसको आप देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 39 पर भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है यफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है व्हाट आर प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या होता है, तो देखिए इसमें का पेज नंबर 36 पे आप देखते हैं प्लास्टिक क्या होता है। हाँ बच्चों जब पेज नंबर 36 आप खोलेंगे तो सबसे ऊपर वहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लास्टिक की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में। तो प्लास्टिक आर पॉलीमर मेड अप ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल यूनिट ज्वाइन टू इन टू इन टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर F1 का आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी 2 यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के 2 यूज बता दीजिए। तो पीवीसी क्या यूज है, मेकिंग
शूज, वाटर पाइप एंड मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग। दो यूज पर मैंने तीन लिख दिया। उसके बाद है गिव द डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। तो इसका आंसर आपको भी पेज नंबर 36 पे मिलेगा। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखिए पेज नंबर ये 37 है, 36 ये वाला है, 36 के जस्ट बगल में। तो यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस दिए हुए हैं। तो आप सोचेंगे कि क्या पूरा लिखना है, पूरा मत लिखिएगा। वो मेन मेन डिफरेंस जिनकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि ये कौन थर्मोप्लास्टिक है, कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो पहला ऑप्शन छोड़ दीजिएगा ये वाला, और आप सेकेंड ऑप्शन यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो ये वाला मत लिखिएगा, सीधे इसको और इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग वाटर हाउसेस फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशन। फायर फाइटिंग ऑपरेशन के दौरान वाटर हाउसेस क्यों बनाए जाते हैं पॉलिस्टर के। तो देखिए मैंने इसका आंसर पढ़ने के बाद मैंने कुछ निकाला है, इसमें है बिकॉज, ये यहाँ से लिखिएगा, द पॉलीमर इज यूज फॉर मेकिंग वाटर हाउस फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशन, यहाँ पर जोड़िएगा बिकॉज, इट एब्जॉर्ब, यहाँ पे इट लिखल लगा लीजिएगा अपनी तरफ से, इट एब्जॉर्ब लिटिल वाटर दैट प्रिवेंट द कॉट फायर, यानी जब इसके फाइबर्स में थोड़े थोड़े पानी एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो पानी एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या कर सकते हैं, वो आग को लगने से रोक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई सस्पेंड हैंडल इलेक्ट्रिक प्लग एंड स्विचेस मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मैंने ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले बात है दे आर हार्ड, एंड ये बात जरूर लेके दे आर हार्ड, यानी यहाँ पे लिखे लिखा है बिकॉज दे, यहाँ पे थोड़ी लिखिएगा बिकॉज दे आर इंसुलेटर रिजिड एंड ड्यूरेबल, यानी ये इनके अंदर ये तीन प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से हैं हम उनको इलेक्ट्रिक प्लग। पहले बात क्या कि वो इंसुलेटर होते हैं, मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रिक और हीट दोनों कंडक्ट नहीं होते हैं। उसके बाद वो काफ़ी रिजिड होते हैं, यानी अगर उनके कोई भी ऑपरेटर्स बना दिए तो लंबे समय तक वो टिके रहते हैं, और ड्यूरेबल भी यही बताता है कि टिकने को ही बताता है, और इंसुलेटर, तो ये तीन रीजन की वजह से हम उनके क्या बनाते हैं, अप्लायंस बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डिफिनीशन है कि जॉन गोस फॉर माउंटेनियर्स विद द सम सेलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ हिज बैच, इनिशियली ही स्केयर्ड ऑफ हिज ट्रेनर टेल्स दैट हिम ही शुड बी स्ट्रांग, ही प्रोवाइड हिम ए स्ट्रांग रोप एंड टीच हिम हाउ टू क्लाइंब ए माउंटेन। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट पे आपको इन दो क्वेश्चन का आंसर देना है। तो लिखा है नेम द फाइबर दैट आर यूज इन मेकिंग द क्लाइंबिंग रोप, यानी क्लाइंबिंग रोप किसके बनाए जाते हैं, नायलॉन के बनाए जाते हैं, सीधे साधा आंसर मिलना हो जाएगा। दूसरा है What can we learn from John trainers? तो हमें John के trainer से क्या सीख मिलती है, तो John का trainer से क्या कहता है, We should be strong। आइए long answer type question की तरफ। तो देखिए पहला question है कि give any five environmental hazard caused due to plastic। पांच आपको ऐसे environmental नुकसान को बताने हैं जो plastic की वजह से होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 39 पे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना इन्वायरमेंटल हैजार्ड, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बस इतना, ये चार लिख लीजिएगा, नाम नहीं लिखना, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो ये पढ़ने के बाद आपको यहाँ से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, एक दो दो लाइन से ज़्यादा मत लिखिएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, गिव द रीज़न ऑफ फॉलोइंग। पहला है कुकिंग पैन है प्लास्टिक हैंडल, कुकिंग पैन के प्लास्टिक हैंडल होते क्यों होते हैं, देगा हार्ड एंड इंसुलेटर ऑफ हीट, क्योंकि वो हार्ड होते हैं और हीट के इंसुलेटर यानी कुचालक होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ प्लास्टिक काज एयर पोल्यूशन, क्यों होता है भाई, बिकॉज इट प्रोड्यूस, देखिए हर चीज़ बिकॉज से जोड़ दीजिएगा, बिकॉज इट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। फिर तीसरा है इलेक्ट्रिक वायर हैव ए प्लास्टिक कवरिंग, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग लगाई जाती है, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि प्लास्टिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, इसलिए इनके ऊपर लगा दिया जाता है। चौथा है यानी डी है बैकेलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस,
बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड इंसुलेटर, पहला टेम्परेचर रेजिस्टेंस, इंसुलेटर और हार्ड भी होते हैं। यहाँ पर एक बात हार्ड भी जोड़ दीजिएगा। और ई है प्लास्टिक्स आर स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल। तो प्लास्टिक स्ट्रांग और ड्यूरेबल क्यों होते हैं? क्योंकि दे आर स्ट्रेचेबल। और किससे बने होते हैं? ये पॉलीमर होते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रांग लिख दिया, स्ट्रांग, स्ट्रेचेबल एंड पॉलीमर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर के क्या एडवांटेज हैं, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए मैंने इसका आंसर लिखा हुआ पेज नंबर 34 पे। हाँ तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पेज नंबर 34, और यहाँ पर आपने देखिए हेडिंग मिल जाएगा एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर का, इस नाते आप इनमें इनकी सारी हेडिंग को इंक्लूड करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक लाइन से ज़्यादा मत लिखिए। तो देखिए हाई टेंसाइल तो मैंने अंडरलाइन कर दिया कि सिंथेटिक फाइबर आर वेरी स्ट्रांग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा लो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, फिर यही लाइन, द सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, ड्यू टू दिस ए वेट क्लॉथ ऑफ सिंथेटिक फाइबर ड्राइज आउट रैपिडली एंड सिंथेटिक फाइबर आर सेट टू बी प्रोसेस ऑफ ट्रिप ड्राई प्रॉपर्टी। उसी प्रकार से ये एरोबियन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे अंडरलाइन करके मैंने लिख दिया हुआ है कि ड्यूरेबल तक लिख लीजिएगा। और उसके ऊपर लेस एक्सपेंसिव एंड गुड इलेक्ट्रिसिटी, ये दो लाइन आप इसको तो पहला चौथा तो पूरा लिख लेंगे, और इसमें गुड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ करके जो भी आपको मुनासिब लगे उतना आप लिख लीजिएगा। अब आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट एनी फाइव इको फ्रेंडली हैबिट्स, पांच आपको इको फ्रेंडली ऐसी आदतें बतानी हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो बल्कि इसको फ़ायदा हो। तो पहला काम प्लांटेशन, ट्रीज लगाइए। दूसरा क्लीन प्लास्टिक फ्रॉम वाटर, वाटर से प्लास्टिक को क्लीन करिए। स्टॉप बर्निंग प्लास्टिक इन एयर, हवा में प्लास्टिक को जलाने से रोकिए। एंड यूज़ जूट बैग, जब दुकान पर जाएँ सब्जियाँ खरीदने के लिए तो जूट बैग लेके जाएँ। एंड नॉट यूज़ क्या करें, नॉट यूज़ फूड इन टू द प्लास्टिक, और कभी भी प्लास्टिक के अंदर खाने के सामान के रख चीज़ों को रख करके इधर उधर न फेंकें, क्योंकि इसे कभी कोई जानवर खा लेगा तो जानवर उस प्लास्टिक को खा करके उसको उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है या उसको कैंसर हो सकता है। तो ये बस सब बच्चों हो जाते हैं सारे आंसर्स के। हार्ट्स वाले क्वेश्चन इसको छोड़ दीजिएगा, इसको क्लास में अटेम्प्ट कराएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखाएं, और प्लस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद।